wrong on that. But overall, Pakistan ke paas strong evidence hai, aur main is wale se, I can assure you and confirm you, not ke mujhe Pakistani authority se kahin se pata chala hai, lekin kahin aur se bhi pata chala hai, ke this time the evidence which Pakistan has provided to the international community, to the diplomats in Islamabad, that is something new. Ye nayi cheez hai. एंड ये नया मैकेनिज्म था जिसके तहत ये चीजें इन्होंने की हैं. इन्होंने क्या फसा ही तो जाना नहीं पाया साढ़े को एनजी फट फूट लई है कर ली है लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल दाल गली है जो है ना वो थे आई नहीं सी बेचारा. बिल्कुल सही. लेकिन अगर यही बात मैं कर्नल दानवीर आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, जैसे चीमा साहब ने कहा कि इन्वेस्टमेंट की है भारत ने जो बाहर एक ब्लास्ट हुआ था हाफिज सईद के घर के बाहर, और जिस तरह से हिना रब्बानी खर भी बात कर रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह की बात भी आपने यकीनन सुनी होगी. देखिए, अगर चीमा साहब और चीमा साहब का इदारा ये समझता है कि इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करी है हाफिज सईद को निकालने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी ऑनरेबल बात है. हम तो ये चाहते हैं कि हमारी एजेंसी इतनी काबिल बने. हम तो अपनी एजेंसीज का मजाक उड़ाते हैं कि इतने दिनों से ये सारे के सारे खेल उधर से खेले जा रहे हैं और आपकी इतने भी सलाहियत नहीं है कि आप इन लोगों को निकाल सके वहां पर. और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जो हीरा ये आपकी जो भी रबीना खर हैं इन्होंने एक लिस्ट निकाली है, 17 लोगों की लिस्ट है. उसमें 3 लोगों को छोड़ के बाकी सारे के सारे तो पाकिस्तानी है. तो अगर इतने सारे लोग पेरोल पे हैं और तब भी आप नहीं निकाल पा रहे, तब भी आपका ब्लास्ट इतना थका हुआ था कि हाफिज सईद जैसा इंटरनेशनल टेररिस्ट जो कि लाहौर में शरेआम अंडर प्रोटेक्शन घूम रहा था, आप उसको नहीं निकाल पाए. एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को आप नहीं निकाल पाए जबकि आपके पास में पाकिस्तानी कोऑपरेशन बहुत सारा है, भरपूर है. तो आई थिंक आपकी सलाहियत कहीं ना कहीं कमजोर है, आप में वो सलाहियत नहीं है. और जब चीमा साहब कहते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को बड़ा गर्व होता है. वी फील प्राउड कि चलो हमारे बंदों की कहीं ना कहीं तो तारीफ हो रही है. और तो इस लिहाज से देखा जाए तो इट्स एन ऑनर. थैंक यू चीमा साहब. सेकेंडली, जो बात बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से हुई थी, देखिए हम एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते रहेंगे, उसकी कोई एंड नहीं है. माजी में क्या हुआ उसके ऊपर खूब सारी बातें कर लेंगे, लेकिन हमें अगर फ्यूचर को देखना है और हमसे ज्यादा अगर आप लोगों को फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है, तो आपको जो अभी तक ये जो भी आपने गेम खेला है उससे आपको चेंज करना पड़ेगा अपना पैटर्न. आप उसी गेम को दोबारा नहीं खेल सकते. जैसे फौज में कहते हैं कि यू डोंट रीएनफोर्स ए फेलियर. ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, ये फेल हो चुकी है और एक बार नहीं कई बार हुई है. और जितना पाकिस्तान इस पॉलिसी को पुश करता है उतना अपना नुकसान करवा लेता है. आप इसको कैलकुलेटेड तरीके से आप इसका एनालिसिस करिए. कैलकुलेटेड कह रहा हूं, साइंटिफिकली आप इसका एनालिसिस करिए कि आपने जब जब इस कहानी को लेकर अपना एजेंडा आगे किया है और फौज को आगे किया है या फौज ने पॉलिटिशियंस को आगे किया है, नुकसान एट द एंड ऑफ द डे किसका हुआ है? हमारा भी हुआ है, हमारी भी पैसा खर्च होता है, जाने जाती हैं, लेकिन हारता कौन है? हु इज द बिगर लूजर? आज आपके कंट्री के हालात देख लीजिए. ये हालात कैसे पहुंचे? ये इसलिए पहुंचे क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल नहीं थे. प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत जरूरी है. सिचुएशन चेंज हो गई है पिछले 75 साल में, थिंग्स हैव चेंज. और इंटरनेट का जमाना है. आज के जमाने में कश्मीर का एक एक बच्चा जो है इंटरनेट देख रहा है. वो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उसकी इमेजेस देख रहा है, पाकिस्तान में क्या होता है उसकी इमेजेस देखता है, फिर वो प्रोपेगेंडा दोनों साइड का कंपेयर करता है और फिर खैर मनाता है कि देखो यार हम लोग बच गए. आज कश्मीर के अंदर जिस तरीके का डेवलपमेंट है, जिस तरीके की पीसफुल सिचुएशन है और जो यंग बच्चों के अंदर जो एस्पिरेशन है और वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपने आप को कि रियलिटी क्या है और इतने सालों से हमें बेवकूफ बनाया गया, वो कहानी क्या है? देखिए, आप चाहे कितना भी कंट्रोल कर लें, आप कितनी बड़ी फौजें लगा लें, लेकिन जो रियल सेंटिमेंट है वो आप दबा नहीं सकते. ईरान नहीं दबा पाया, चाइना नहीं दबा पाया. चाइना जैसा
ऑटोक्रेटिक कंट्री नहीं दबा पाया, आप बाकी छोड़िए आप लोग नहीं दबा पाए, आप लोगों ने बलूचिस्तान की खबरें दबा के रखी, आपने खैबर पख्तूनख्वा की जो खबरें हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में दबा के रखते हैं, लेकिन वो रुकती है क्या? आप बताइए, नहीं रुकती। क्या लोगों का एहतजाज बंद होता है? नहीं होता। तो ये जमाना इंफॉर्मेशन का है, आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आदमी के पास अब मोबाइल फोन है जो कि सुपर कंप्यूटर वाली सलाहियत रखते हैं, जो पहले आज से 20-30 साल पहले सुपर कंप्यूटर होते थे, वो एक मोबाइल के अंदर सलाहियत है, वो एनालिसिस कर सकता है। अब आप किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को बेवकूफ ना समझें कि यार इसको कोई पता ही नहीं है, हम इसको ये वाला चूरन खिला देंगे और वो वाली लाइट दिखा देंगे और ये उसके पीछे जुगनू के पीछे भागता चले जाएगा, ऐसा नहीं है। थिंग्स हैव चेंज, यंगर जनरेशन हैज चेंज, आपके यहाँ भी चेंज हुई है, मेरे यहाँ भी चेंज हुई है, और आपको इस यंगर जनरेशन, इसकी एस्पिरेशन और इसकी ट्रेजेक्टरी को समझना होगा। बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की कमर चीमा साहब जैसे जो सॉफ्ट पावर टूल्स है, उनको ये चीज समझना चाहिए कि ये चीज कैसे चल रही है और हमको क्यों मॉडिफाई और मॉड्यूलेट करने की जरूरत है। आप लोगों को अपनी इकोनॉमी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, आप लोगों को वो सारी चीजें नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका ये हाल हुआ है। और बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ वो अफगानिस्तान में तालिबान वाला है। ये आसिफ मुनीर साहब को वहां पे देखना चाहिए कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट करी और क्या डिविडेंड उनको मिल रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज पाकिस्तान को फेस करेगा। आप हाफिज सईद का गढ़ा मुर्दा निकाल के और एक साल पुरानी बात कह के आप अटेंशन डाइवर्ट करने में असफल रहे हैं, और ये मत करिए, आप चेंज करिए अपने आप को, ये रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल। अगर हम चीमा साहब आपसे मैं पूछूं, आपने सुना कर्नल दानवीर को, लेकिन वाकई में अगर पाकिस्तान को इस वक्त ज्यादा खतरा जो है वो अफगानिस्तान साइड से है, जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं तकरीबन रोज ही चमन के एरिया में और कई जगह पर केपीके में, तो आपको नहीं लग रहा कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है कि बजाय इसके कि अफगान बॉर्डर को पुरसुकून किया जाए, उसके बजाय इंडिया पे एक साल पुराना केस निकाल के बात की जा रही है? देखिए दो चीजें हैं, एक है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, बिल्कुल बात करनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, अवाम को बताना चाहिए क्या करना चाहे हो रहा है, हमने हमारी क्या गलतियां हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस करें, फौज को बुलाएं, एजेंसियों को बुलाएं, पूछें क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अगर एक चीज़ एक साल पहले हुई है और उसकी तहकीक और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट हुई है, उसके ताने बाने देखें, ये जो ट्रांसनेशनल क्राइम है, ये जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है, ये कोई पाकिस्तान में बंदा पकड़ के तो उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। जब 6 मुल्कों में फॉर एग्जांपल या 3 मुल्कों में लोग मुलव्वस हैं, तो इंफॉर्मेशन ढूंढना, डाटा कलेक्ट करना, कनेक्शन बिल्ड करना, इंटेलिजेंस एजेंसीज का पूरी दुनिया में ऑपरेशन करना, मदद लेने में टाइम तो लगता है कि नहीं लगता? अब जारी बात है, इंडियंस ने फ्लाइट लेके लाहौर में आके पैसे तो नहीं तकसीम किए ना, आवारी होटल बैठे होंगे, पीसी होटल में बैठ के वो कह रहे होंगे भाई तुसी आ जाओ, अगे आ जाओ, पैसे ले लो, तो जाके हाफिज सईद के घर के बाहर जनाब कर दो, ऐसे तो नहीं होगा। उन्होंने जो पैसा दिया अंडर कवर कौन ऑपरेशन थे, जैसे कुलभूषण यादव जो था, अब कुलभूषण यादव क्या है, ये मैं ये नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया की एजेंसियां करती हैं, पाकिस्तान भी ये काम करता है, ये कोई नई चीज नहीं है, सब करते हैं ये काम, अमेरिकन भी करते हैं, ब्रिटिश भी करते हैं। अब उसको जब टाइम लगा इस चीज पे कंक्लूजन पे पहुंचते हुए कि ये जो कनेक्शन है कैसे बना, वो लोग पकड़े, उन्होंने अपने बारे में बताया, बल्कि मेरी उस वकील से भी मुलाकात हुई जो उन दहशत गर्दों का वकील है, मैम लेट मी टेल यू something very interesting. खैर एनी हो, वो एक और चीज है, जो है वो दोस्त है अपना, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो चीज है इसको टाइम लगा, हाँ इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा रहा है कि जी टाइम बाय करने की बात की, वो देखें जी कुछ और था नहीं तो ये कह दिया, बड़े एंगल से की जाए, बट दैट डजंट मीन कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ज्यादा ज्यादा 2 महीने पहले कंप्लीट होगी होगी, 1 महीना पहले कंप्लीट होगी होगी, ठीक है। मेरे तो प्रॉब्लम ये था कि ये राणा सनाउला ने एनरबानी खर ने क्यों बात की है, इसको पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए थी, ये तो इनका तो ध्यान ही कोई नहीं है इन चीजों के ऊपर। भाई आपका ध्यान जिधर जाते हैं, दुनिया की जिस कैपिटल में पाकिस्तान लीडरशिप जाती है, पहला ध्यान देने पैसे दो, फिर कोई और बात करते हैं, और दूसरी दुनिया की भी एपेटाइट खत्म हो गई है इंडिया के ऊपर कंप्लेन सुन के। देखें विच आर द फैक्ट, दीज आर द फैक्ट्स, ये हमारे सामने होने चाहिए, और ये हमारी लीडरशिप को भी इन चीजों का पता है।
जैसे कर्नल साहब बड़ी सही बात कर रहे थे कि आप बलूचिस्तान में, कश्मीर में, कहीं पे भी किसी बंदे को बैठे पता है कि क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, एक एक मिनट में वही खबर अमेरिका भी पहुंचती है, लंदन भी पहुंचती है, कश्मीर भी पहुंचती है, लाहौर भी पहुंचती है, दिल्ली भी, चंडीगढ़ में भी, हरियाणा में भी, हर जगह एक टाइम पे पहुंचती है। सो वो जो चीज थी ना लोगों को बेवकूफ समझना कि यार आप चीजें छुपा के चीजें कर सकेंगे, वो कल ने बिल्कुल सही कहा, द फैक्ट मस्ट बी टोल्ड, हकीकत बतानी चाहिए। और लेकिन आई पर्सनली फाइंड आउट, मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसमें कि ये मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आई नो पीपल जो जो चाहते होंगे कि ये चीजें हों या ये चीजें ऐसी हो, लेकिन वो नहीं हुई। बट एनी हो, ये जो कुछ हुआ है इसमें हाफिज सईद के हवाले से, जिसे कल साहब खुद कह रहे थे, हम तो कहते हैं हमारी गलतियाँ कितनी नकम्मी है, तो हम भी यहाँ कई दफ़ा अपने को कहते हैं, वो और चीज़ों में कहते हैं कि यार तुसी जो है वो आपने पीटीआई को ले आए, आपने ये क्या किया, हमारे तो सियासत में ज्यादा मुलव्वस होते हैं, तो इन चीज़ों में हम जो है उनको करते रहते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो इंडिया वाली साइड है, चीजें बेहतर होनी चाहिए। और इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, ये आप शायद ये सवाल नहीं पूछ पाएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मुल्क को केस स्टडीज पढ़ना चाहिए, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करने चाहिए। ये मेरे एकदम जहन में आया जब चीमा साहब ने कहा कि हमारी एजेंसीज की हम तनकीद करते हैं क्योंकि वो सियासत में मुलव्वस रहती है। इसी हवाले से मैं यहाँ पर ये आपको कहना चाहूंगा कि आप इंडिया को स्टडी करिए, इंडिया की मिलिट्री को स्टडी करिए, इंडिया की पॉलिटिक्स को स्टडी करिए। अगर आप 1947 से 1962 की मिलिट्री लीडरशिप को स्टडी करेंगे, बहुत सारा मटीरियल अवेलेबल है, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, चीमा साहब आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं और आरजू जी आप भी बहुत शौक रखती हैं, शेखर गुप्ता का एक आर्टिकल है द प्रिंट में, बड़े रेनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसी पॉलिटिक्स के बारे में बात करी। वो जमाना था 1947 से 62 तक का, जब हर एक जर्नल फौज के अंदर पॉलिटिशियंस की गुड बुक्स में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, पॉलिटिशियंस भी उसका पूरा फायदा उठा रहे थे और पॉलिटिशियंस की भी पूरी मुदाखलत थी फौज के डे टू डे अफेयर्स में। और जब ये मिलिट्री पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो रही थी, पॉलिटिक्स मिलिट्री के अंदर इन्वॉल्व हो रही थी, तो नतीजा ये हुआ कि 1962 में आप जंग अच्छी तरह हार गए। वो इसलिए नहीं हारे कि आपके फौजियों में कोई कमी थी, वो इसलिए हारे क्योंकि आपके जर्नैलों में वो कमी थी, क्योंकि जर्नैल जो थे वो पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। जनरल कॉल जो सिलेक्ट हुए थे पंडित नेहरू के खास आदमी थे, जनरल उस समय ब्रिगेडियर मानिकशाह को पॉलिटिक्स के चलते उनके ऊपर एक इंक्वायरी डाल दी थी क्योंकि उनको लग रहा था, लोगों को लगता था ये बहुत काबिल आदमी है तो इसको दबा लो, और इस तरीके का गन माहौल इंडियन आर्मी के अंदर था और उसका नतीजा ये हुआ कि हम जंग हार गए। लेकिन स्टडी करने वाली बात यह है कि इस चीज को एकदम से करेक्ट किया गया, जब आप हार गए जंग तो एक एनालिसिस हुआ, सोसाइटी ने एनालिसिस किया, ब्यूरोक्रेसी और हमारी पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, 1962 की जंग की हार हमारी पार्लियामेंट में जबरदस्त तरीके से डिस्कस हुई है, और फिर ये बात निकल के आई कि फौज के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और फौज को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखना चाहिए, हमने बहुत दूर रखा। और फिर आप देखिए 65 में, 71 में, कारगिल में, और अभी हमारे और चीमा साहब के ग्राही पंजाबी पुत्रों ने चीनियों का क्या हाल बनाया वो आपने देखा, और चीमा साहब तो पंजाबी तगड़े हैं तो वो अच्छी तरह भाषा भी अच्छी तरह जानते हैं और बड़ी अच्छी तरह वो समझ गए कि साडे भरावां ने की कीता हैगा। ते ओ कंसर्व ओदे विच ना ओ एक तो बहस ये हो रही है वीडियो पुरानी है या वीडियो नवी है, ठीक है, नहीं है, वो एक अलग स्टोरी है। नहीं नहीं मैं दस देना वीडियो पुरानी है, लेकिन जिस तरह वो पिछू बोलदा सी ना, ठीक है, मैनु चीनिया ते बहुत तरस आ रहा सी, मैं क्या नु पता ही नहीं है किस अंदाज से कर रहे हो, बेचारे जुड़ जुड़ के कठे हो गए, वो अपनी स्ट्रैटेजी दे सन, उन्होंने नहीं पता कि ये जो ये पंजाबी पिछू बोल रहे हैं ना कैमरे दे कोल खलो के, ठीक है, एदा इंपैक्ट की है, ये पूरी कौम नु चुक देगा। सो दैट वाज गुड फॉर द इंडिया फॉर मूड,
मतलब उस रात तो मैं तुहानू दसदा उस सरदारा दी पलटन सी ओ एदा ही लाला लाला तू 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 एदा ही हुंदी है ते ओ ओ ओ बिल्कुल सेट सी चीनिया दी बहुत कुटाई पई है चीनिया नु बहुत कुट पई है ते ओ ओ सारे ने वेख लिया हैगा ए वीडियो वाकई पुराना हैगा एदे च कोई ऐसा वाली गल नहीं है वीडियो पुराना है लेकिन लेकिन बात वही है कि जब चपेड़े पड़े तो चाहे पुरानी पड़े चाहे नई पड़े मजा तो पूरा चपेड़े चपेड़े होती है चपेड़े चपेड़े होती है बिल्कुल लेकिन कर्नल साहब पहला पै गई होन या बाद च पैन या कल पई या एक महीना पहला पई ओदा कोई मतलब नहीं होता स्वाद लेकिन पूरा आंदा है चाहे भावे एक दिन पहला या एक महीना पहला या साल पहला एक चीज में यहाँ पे कर्नल साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि जैसे पाकिस्तान को हम लोग भी कहते हैं और बहुत से पाकिस्तानी भी कहते हैं कि इस वक्त भारत की तरफ कहने के बजाय या भारत के ऊपर इल्जाम लगाने के बजाय इनको अफगानिस्तान की तरफ देखना चाहिए, इसी तरह से आपको नहीं लगता कि भारत को भी पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाने या पाकिस्तान को जवाब देने और लड़ने के बजाय चाइना की तरफ देखना चाहिए क्योंकि आपको वहां से ज्यादा खतरा है? चाइना की तरफ से भी हमें कोई खतरा नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चाइना के और हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो इतने इंटरट्वाइंड हैं और इतनी ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व है कि कोई भी इस चीज को रिस्क नहीं करेगा। ये एलएसी के ऊपर गालम गलौज पत्थर पुत्थर वीडियो शीडियो ये चलते रहेंगे, लड़ाई कोई नहीं करेगा। आप देख ले 2 साल से इतनी बड़ी तादाद में फौजें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खड़ी है दोनों तरफ से, एक भी गोली नहीं चली और चलेगी भी नहीं, बस ऐसे ही पत्थर पुत्थर चलाएंगे, गाली गोली निकालेंगे, वीडियो शीडियो बनेंगे और ऐसे ही एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। लेकिन जो आपने जो बात करी है वो बड़ी अच्छी बात करी है कि क्या पाकिस्तान को इंडिया की तरफ एलिगेशन लगाने चाहिए और वगैरह वगैरह और अफगानिस्तान की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा ये एज ए गुड नेबर मेरा ये एडवाइस ये रहेगा, वैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन एडवाइस ये रहेगा कि आप अफगानिस्तान को प्लीज मत देखिए, आप अंदर देखिए, लुक इनवर्ड्स, आप ये सारी चीजों को रिव्यू कीजिए कि आप कहां खड़े हैं, क्या क्या पॉलिसी लेके चल रहे थे, क्यों चल रहे थे और ये क्या सिचुएशन में आ गए हैं। आप इस चीज की डिबेट कीजिए, डिबेट को रोकिए मत, जो चीज पार्लियामेंट में होनी चाहिए वो आप सोशल मीडिया पे ना करें, पार्लियामेंट में डिस्कशन करें, क्योंकि आप डेमोक्रेसी हैं, आपका आईन शायद डेमोक्रेसी की तरफ ही इशारा करता है, तो आपको उन चीजों में ध्यान देना चाहिए। आप मैनेज देखिए, आप उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, उसके ऊपर लीपा पोती कर रहे हैं, उसको कहीं से शील्ड कर रहे हैं, कहीं फोकस कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको ऑलराउंड ओवरऑल डिस्कशन करके और आपको इंटरनल मैकेनिजम्स ठीक करने पड़ेंगे, आपको अपना हिसाब किताब चेंज करना पड़ेगा, आप उसी तरीके से नहीं चल सकते। और आप टॉप गियर में और ये दुश्मनी को कायम रखेंगे तो नुकसान आपका होगा। आपने देखा ये ये हीना रबानी खर या आपके सनाउल्ला या बिलावल, इनके जो स्टेटमेंट आए इंडियन मीडिया ने नहीं उठाया, वो डिस्कशन ही नहीं है, इट इज आउट ऑफ द डिस्कोर्स। तो आप अपने लोगों को ही गुमराह कर रहे हैं या आप उनके साथ ही धोखा दे रहे हैं, आपको वहां फोकस करना चाहिए। ऐसा एज अ गुड नेबर ऐसा मेरा ये एडवाइस है, बाकी तो खैर जो भी है। बिल्कुल सही। लास्ट में मैं चीमा साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो बार बार हम इंडिया की तरफ इशारा करते हैं, बार बार कश्मीर की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन में बात करते हैं, कहेंगे कि जी यूनाइटेड नेशन में जाके बात करेंगे, क्या ये इस तरफ इशारा नहीं करता कि इसकी वजह से जो है डिफेंस बजट और दूसरी तरह के जो फंड्स होते हैं वो लेने की कोशिश हमेशा से की जाती है, जिससे कॉर्नर के प्लॉट्स और क्या कुछ कहा जाता है कि दुबई के भी प्राइस हाई हो जाएगी। ताड़ साहब ने कहा था, ताड़ साहब को पकड़ ले जाके उन्होंने कहा था कि यूके की भी प्राइस हाई हो जाएगी, अमेरिका में भी जो पैसा घूम के आ जाएगा। चीमा साहब आरजू डर गई, देखो नहीं मैं नहीं डरी नहीं आरजू नो बेचारी नो वाली पता नहीं सवाल गेंज करना है ना, देखिए वो नहीं नहीं मैं नहीं डरी समझ नहीं आ रहा नहीं डरती नहीं मैं कह रही हूं डरना भी अकलमंदी होती है, डरना कोई क्यों कल साहब दसो
अकल, ये भी कई दफा अकलमंदी होती है, हर दफा एवं सीना चौड़ा खा के गोली खा के लित्तर खा के घर नहीं आने। कल मैं तो नहीं समझ गया, कोई नहीं वो बेचारी डर गई, चलो ठीक है। डरना भी जो है ना, डरना भी दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, ये जिंदगी का हिस्सा है। कई इंसान डरता है, कभी बहादुरी, हर थां दे बहादुरी भी नहीं दिखाई जाती, हर थां दे डरना भी नहीं चाहिए। कल से लेकिन ये जो आप बात कर रही है ना अर्जू के वो गए हुए हैं, भाई हमें डिफेंस बजट के लिए कोई पैसा नहीं देता, ये मैं आपको थोड़ा बता दूं, डिफेंस बजट का पैसा अवाम के पेट से काट के आता है। हाँ हाँ मुझे पता है जी। अच्छा चलो चलो तुम पता, मैं मजे तो पता लगे कि किधरों तो अफगानिस्तान पैसे आते हैं। शुक्र है आपको पता है इस चीज का। तो क्वेश्चन डिफेंस बजट काम करें भाई, आपकी जो एक स्टेटेड पोजीशन है ना, हम ये डिफेंस बजट काम नहीं कर सकते। आपको अपना इस वक्त फौज का देखिए कंसर्न क्या है, फौज इमरान खान के साथ क्यों मिली थी, मैं जस्ट टू टेल यू, फौज इमरान खान के साथ इसलिए नहीं सी मिली कि उन्हें इमरान खान चंगा लगता है, फौज इमरान खान के साथ इसलिए मिली थी बिकॉज दे नीडेड के हमें एक सिविलियन फेस चाहिए, वन। सेकेंडली हमें इकोनॉमी बूस्ट करनी है, उसके लिए इस बंदे की पॉपुलैरिटी है, तो शायद ये हम वो जो हाइब्रिड निजाम ला के दुनिया को ये सिविलियन फेस दिखाएंगे, पीछे हम होंगे और हम इकोनॉमी ठीक कर पाएंगे, और ये चोर है डाकू है और इन चोरों और डाकुओं के खिलाफ हमने एक सियासतदान लेके आना है, ये था। अब पता ये चला और देन फौज को ये भी पता था कि हमने सजाएं नहीं दिलवानी जो इमरान खान चाहता था, इमरान खान फौज का कंधा इस्तेमाल करके बाकियों को सजाएं दिलवाना चाहता था और खुद अकेला हीरो बनना चाहता था। फौज को ये भी पता कि हमने कभी सजाएं नहीं दिलवानी, वो कभी